महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवंडर तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेहद नाटकीय स्थिति में अजीत पवार वाला गुट वाईबी चौहान सेंटर पहुंच गया। अजीत गुट को अच्छे से मालूम था कि यहाँ शरद पवार हैं और अजीत पवार का गुट उनसे मुलाकात करने पहुंच गया। अब आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे द बिग बेंच डेली में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। जब शरद पवार से मुलाकात करके अजीत गुट बाहर निकला तो प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे आमदार माननीय आदरणीय शरद पवार साहेबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी दर्शनासाठी आज चव्हाण सेंटरला सोबत आम्ही सर्व आलो। उनके गुट के नेताओं ने शरद पवार के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा और साथ ही शरद पवार से निवेदन किया कि वो अजीत पवार का साथ दें। मगर अब आप ही बताइए कि क्या मामला इतना ही सरल है जितना दिख रहा है। शरद पवार से इस मुलाकात के एक दिन पहले भी अजीत पवार शरद पवार के घर गए थे। हालांकि कहा गया था कि वो अपनी चाची यानी शरद पवार की पत्नी को देखने गए थे क्योंकि वो हाल ही में एक सर्जरी से गुजरी हैं। मगर राजनीति में अक्सर जो दिखता है उसके अंदर की कहानी एकदम जुदा होती है। उसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे ही अजीत पवार अपने नेताओं के साथ शरद पवार के पास पहुंचे, वैसे ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जयंत पाटिल को फोन किया कि आप भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंचिए। लेकिन इन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच जो मुख्य सवाल है वो ये है कि आखिर अजीत पवार बार बार शरद पवार से क्यों मिल रहे हैं। अब भाई रोज रोज मिलना, अजीत पवार पार्टी में तोड़फोड़ तो पहले ही कर चुके हैं। अजीत पवार ने खुद शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया और अजीत पवार ही तो है जिन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखकर कहा कि शरद पवार अब उनके अध्यक्ष नहीं है। तो फिर अब अजीत पवार को क्यों लगता है कि शरद पवार उनकी बात मानकर उनका साथ देंगे। दरअसल कहानी में एक ट्विस्ट है, मैं बताती हूँ। जैसे ही शरद पवार से मिलकर अजीत पवार का गुट निकला, वैसे ही जयंत पाटिल मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कह दी। जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार के पास अभी भी 19 विधायक हैं और जो विधायक अजीत पवार के खेमे में दिख रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी शरद पवार में ज़्यादा आस्था है। तो अब सवाल ये उठता है कि अजीत पवार को क्या ये खतरा है कि उनके चाचा शरद पवार अभी भी खेल में बने हुए हैं और उससे अजीत पवार और उनके साथ के विधायकों की सदस्यता तक जा सकती है। किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता दल बदल कानून से जाती है। ये कानून 1985 में राजीव गांधी की सरकार लेकर आई थी। इस कानून में प्रावधान है कि अगर पार्टी नियमों के खिलाफ कोई विधायक या सांसद जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है कभी भी। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी व्हिप का पालन नहीं करेगा तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसी कानून में एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद पाला बदल लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो अजीत पवार के डर की वजह क्या हो सकती है वो भी समझ लीजिए। विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। अजीत पवार पर दल बदल कानून लागू न हो और उनके साथ विद्रोह करने वाले विधायकों की सदस्यता ना जाए, इसके लिए अजीत पवार को कम से कम 2/3 यानी 36 विधायकों का समर्थन लाना होगा। समझे आप? अब अजीत पवार बार बार कह रहे हैं कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, मगर शरद पवार का गुट कह रहा है कि अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं उसमें कतई सच्चाई नहीं है क्योंकि 19 विधायक तो शरद पवार के ही गुट में हैं। अब भाई वो तो शरद पवार पर भरोसा करेंगे ना, तो अजीत पवार तो खतरे में है ही। बाकी के जो विधायक अजीत पवार के गुट में हैं वो भी शरद पवार के गुट से संपर्क बनाए हुए हैं, तो खतरा तो है भाई। अब अजीत पवार अगर जरूरी संख्या यानी कम से कम 36 विधायकों का समर्थन हासिल न कर सके तो उनकी सदस्यता जानी तय है। अब यहाँ द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात ये है कि क्या शरद पवार से बार बार अजीत पवार इसलिए ही मिल रहे हैं ताकि किसी भी तरह से वो शरद पवार को मना ले और शरद पवार गुट के विधायक अजीत पवार का समर्थन कर दे। वैसे तो लगता नहीं है कि शरद पवार मानेंगे, लेकिन ये राजनीति है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपका
बारे में क्या ख्याल है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।